नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतवर्ष 24 न्यूज़। उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिर्जापुर जनपद के लालगंज में पहुंचे और उन्होंने सभा में उपस्थित जनता को भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए जा रहे कार्यों को गिनाया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सोनभद्र और मिर्जापुर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो चुका है, हर घर नल योजना के तहत हर घर में शुद्ध पेयजल आपूर्ति करने जा रही है। अब महिलाओं को सिर पर घड़ा लेकर पानी लेकर दूर नहीं जाना पड़ेगा। विंध्य क्षेत्र में विंध्य पर्वत से निकलने वाली जड़ी बूटियों का केंद्र विंध्याचल में ही खुलने जा रहा है। वहीं जनता वृद्धा पेंशन से लेकर सड़क और सभी योजनाओं को जनता को दिलाने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। राहुल प्रकाश कोल यहाँ के लोगों के आवास के लिए मेरे पास आए थे और मैं इस बार उनके द्वारा कहे गए सभी कार्यों को इस वर्ष में पूरा करूँगा। मिर्जापुर में विंध्य कॉरिडोर के साथ अब एक विंध्य विश्वविद्यालय का निर्माण किया जाना है और यह जल्द किया जाना है। अपना दल एस निषाद पार्टी के साथ मिलकर यह सभी निकाय चुनाव और उपचुनाव को जीतने जा रहे हैं। मिर्जापुर से गुफरान अहमद की रिपोर्ट। हमारे गठबंधन ने, अपना दल बीजेपी निषाद पार्टी के गठबंधन ने प्रत्याशी के रूप में श्रीमती रिंकू कोल को, अपनी ग्रीवी कोल को अपना प्रत्याशी बनाकर के आपके बीच में उतारा है। मुझे याद है जब कोल समाज से जुड़े हुए, जनजातीय समाज से जुड़े हुए लोगों के मतदान की समस्या सामने आई थी, राहुल मेरे पास आए थे। उन्होंने कहा था कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन लोगों को सेक्स सूची में नाम नहीं है, उन लोगों को भी मकान मिल जाए तो अच्छा रहता है। और भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने तय किया था कि कोल जाति से जुड़े हुए चेरो, थारू, बुक्सा, ये जितनी जनजातियां हैं, इसके अलावा मुसहर, सहेलिया, इन सबको हम 100% मकान देने का काम करेंगे। इसमें से कोई भी परिवार इन सुविधाओं से वंचित नहीं रहने पाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना से जो कवर हो रहे हो, प्रधानमंत्री आवास योजना से कवर होंगे और बाकी जो लोग प्रधानमंत्री आवास योजना से नहीं कवर हो पा रहे हैं, उनके लिए हम लोगों ने एक नई योजना चलाई, वह चलाई मुख्यमंत्री आवास योजना। और भाइयों बहनों, आज मुझे प्रसन्नता होती है कि उन सभी गरीबों के लिए एक एक आवास उपलब्ध करवाने में मदद मिल रही है। भैया बहनों, आज आपके मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी का कॉरिडोर के साथ साथ मेडिकल कॉलेज और अब तो मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी के इस धाम में एक विंध्य विश्वविद्यालय के निर्माण का कार्य भी आगे बढ़ चुका है। वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी आपके लिए बनने जा रही है। भैया बहनों, मां विंध्यवासिनी के नाम पर बनने वाला यह विश्वविद्यालय यहां के नौजवानों को एक पहचान भी देगा। कहीं भी जाएगा उसके साथ मां विंध्यवासिनी की फोटो, उसके साथ में उसकी डिग्री के साथ में उन्हें आशीर्वाद देती हुई दिखाई दे रही है। यही तो विरासत का सम्मान है, यही है विरासत का सम्मान कि हम मां विंध्यवासिनी का आशीर्वाद लगातार पिछले 5000 वर्षों से इस पूरे क्षेत्र वासियों के कुशल मंगल, उनके क्षेम और योग के लिए लगातार आशीर्वाद प्राप्त होता रहा है। अब उनकी डिग्री में भी मां विंध्यवासिनी का यह आशीर्वाद उनकी फोटो के साथ दिखाई देगा। तो जहां कहीं भी यहां का युवा जाएगा, अपने साथ डिग्री को लेकर के जाएगा, तो मां विंध्यवासिनी का आशीष उसके साथ में निरंतर के लिए कार्य कर रही है, लोक कल्याण के लिए कार्य कर रही है। हमने तो आवास की सुविधा दी, शौचालय की सुविधा दी, रसोई गैस 1,75,00,000 लोगों को उत्तर प्रदेश के अंदर फ्री में अब तक उपलब्ध कनेक्शन उपलब्ध हुए हैं। और अब तो डबल इंजन की सरकार ने यह भी तय किया है भाइयों बहनों कि दीपावली होली में फ्री में सिलेंडर भी उपलब्ध करवाएंगे इन परिवारों को। भाइयों बहनों, आज क्या नहीं है उत्तर प्रदेश में और क्या नहीं है मिर्जापुर में, ये डबल इंजन की सरकार डबल स्पीड के साथ कार्य कर रही है। और इसलिए जो लोग पहले आपके विकास में बाधा पैदा करते थे, जो बैरियर लगाते थे, जिन लोगों ने
गरीब कल्याणकारी योजनाओं में डकैती डालने का काम किया था, जिन लोगों ने आपको एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया था, आज उनको एक एक वोट के लिए तरसाइए। आखिर यहां पे भारत सरकार टैंकर से पानी भेज रही थी, समाजवादी पार्टी सरकार टैंकर को लेने से इनकार कर दी थी। प्यासा यहां के लोगों को छोड़ा था। हमारे यहां पे मान्यता है कि प्याऊ लगाया जाता है लोगों को पानी देने पीने के लिए, कोई भी आ जाए, उसकी जाति, उसका मत, उसका मजहब नहीं पूछा जाता। हमारी योजनाओं का आधार किसी का चेहरा देख करके नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में एक ही मंत्र दिया था, सबका साथ सबका विकास का। पहले चरण का चुनाव संपन्न हो चुका है और पहले चरण के चुनाव में जनता जनार्दन का अपार आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को प्राप्त हो रहा है। मुझे तो लगता है कि पहले चरण के चुनाव के जो परिणाम जब आएंगे तो लगता है कि सपा बसपा का सुपड़ा साफ तो होना ही तय है, और इसलिए वो प्रचार कार्य से भी अपने आप को दूरी बना लिए हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, अब द्वितीय चरण का चुनाव 11 मई को होगा। 11 मई को चुनाव जो होने जा रहे हैं, इसमें लगभग 7 हमारी नगर निगम है, 96 के आसपास नगर पालिकाएं हैं और शेष नगर पंचायतों के चुनाव होने हैं। आपके मिर्जापुर जनपद में नगर पालिका परिषद मिर्जापुर है, नगर पालिका चुनार, नगर पालिका अहरोला और नगर पंचायत कछवा, ये 4 नगर निकाय जनपद मिर्जापुर के अंदर हैं, जिनमें भारतीय जनता पार्टी, अपना दल और निषाद पार्टी गठबंधन ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं, जिसमें श्री श्याम सुंदर केसरी को मिर्जापुर से, विजय कुमार पटेल को चुनार से, ओम प्रकाश केसरी को अहरोला से और श्रीमती पिंकी भोगनवाल को कछवा से भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने अपना प्रत्याशी कमल चुनाव चिन्ह पर उतारा है। मेरी इन सभी नगर निकायों के मतदाता से भी अपील होगी कि भाइयों बहनों, डबल इंजन सरकार की योजनाओं का लाभ नगर निकाय में निवास करने वाले नागरिकों को प्राप्त हो सके, बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हो सके, जीवन स्तर को उठाने के लिए, सुदृढ़ बनाए रखने के लिए उन योजनाओं का लाभ मिल सके, इस दृष्टि से ये नगर निकाय के चुनाव अत्यंत महत्वपूर्ण चुनाव है। और इसके लिए श्याम सुंदर केसरी को और अपने अन्य सभी प्रत्याशियों को भारी बहुमत से विजयी बनाने की अपील आप सबसे करते हुए मिर्जापुर, चुनार, अहरोला और कछवा से जुड़े हुए जितने भी हमारे मतदाता हैं उन सबसे भी करते हुए मैं अपनी वाणी को देता हूं विराम। एक बार मेरे साथ बोलेंगे जय श्री राम।